कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे पीस किचन में। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ दोस्तों तुरई की रेसिपी, यानी कि तुरई की सब्ज़ी। तो दोस्तों ये है सारा इंग्रेडिएंट्स। मैंने 1 किलो तुरई ली है और 3 टमाटर लिए, 3 प्याज लिए मीडियम साइज़ के, 3 हरी मिर्चें हैं और ये मसाले हैं कुछ नॉर्मल, और सब्जी मसाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्याज को चॉप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों प्याज को चॉप करेंगे। ये मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, लंबे लंबे पीसेस में हम चॉप कर लेंगे। इसका जो डंठल वाला पार्ट है वो निकाल देंगे। सो फाइनली दोस्तों मैंने सारे प्याज को चॉप कर लिया और मैंने एक कुकर में बनाने जा रहा हूँ। तो ये दोस्तों मैंने कुकर में तेल डाल दिया था, इसमें डालते हैं जीरा और हींग। तो सबसे पहले हम 1/4 चम्मच हींग डालेंगे दोस्तों। ये रही हमारी हींग, तो 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच जीरा। ऑयल दोस्तों मैंने पहले से ही गर्म कर रखा था, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता सरसों के ऑयल में गर्म होने में, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने पहले से ही गर्म करके रख लिया था। इसका जो धार वगैरह है वो निकल गई थी अच्छे से। अब इसी में डालते हैं प्याज। तो दोस्तों अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे। तब तक हम बाकी का इंग्रेडिएंट्स भी रेडी कर लेते हैं। जितनी देर हमारे प्याज पक रहे हैं उतनी देर में हम हरी मिर्च और टमाटरों को भी काट लेते हैं बारीक बारीक। सो फाइनली दोस्तों हमने सारे टमाटरों को भी चॉप कर लिया और हरी मिर्च भी चॉप कर ली है। चलिए इसको हम साइड पे रखते हैं। अब दोस्तों हम तोरियों को भी अच्छे से छील लेते हैं, इसका जो छिलका है उतार देते हैं ऊपर से इस तरह से। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने सारी तोरियों को जो कि छील लिया है। एंड अब आप लोगों को चलिए प्याज को दिखा देते हैं जो हमने पकाने के लिए रखा था। ये देखिए दोस्तों ये भी हमारा ऑलमोस्ट पक चुका, गोल्डन ब्राउन हो चुका। आप इतना ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसी में डालते हैं हम हरी मिर्च और टमाटर चॉप किए हुए। साथ में 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। स्वाद अनुसार नमक 1 से 1.5 चम्मच। इसका जो डंठल वाला पार्ट है ये निकाल देंगे हम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सारी तोरी को चॉप कर लिया अच्छे से बारीक बारीक। एंड अब चलिए मसाले की तरफ आ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मसाला भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें डालते हैं हम बाकी के मसाले। तो सबसे पहले जा रहा है दोस्तों 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला पाउडर, इसी में डालेंगे हम थोड़ी सी मलाई। चलिए अब दोस्तों इसी में डालते हैं हम तोरी।
सो दोस्तों ढक्कन लगा के अभी हम इसको पकने देते हैं 10 से 15 से 20 मिनट, यानी कि 3 से 4 सीटी आने तक पका लेते हैं अच्छे से। सो फाइनली दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारी तोरी की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है, और आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई हमारी यह रेसिपी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना।